गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं? सो कल का जो मेरा ब्लॉग था उसमें अब काफ़ी लोगों ने कमेंट करा है, काफ़ी लोगों का डीएम आया कि भाई कैसे गिर गया, क्या हो गया, गिर गया यार। कुछ लोगों को मजाक लग रहा है, कुछ लोग इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। आज सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया बिकॉज बहुत काम था, उठने का मौका नहीं मिला। जैसे मेरी शिफ्ट खत्म हुई 11:30 बजे, ठीक है, उसका मैं सो गया यार। सो के जस्ट अभी उठा हूँ और जिम के लिए रेडी हुआ हूँ, बट जिम जाने से पहले मैं बर्तन धो के जाऊँगा, ठीक है। जिम जाते हैं, कल का मेरा वेट था 95.5 kg, कल से मैं प्रॉपर डाइट में हूँ, ठीक है। आज देखते हैं कि वेट में कुछ रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, जिम चलते हैं, जिम में मिलते हैं। बाकी मैं ट्राई करूँगी मैं डेली पूरा का पूरा स्टार्टिंग सुबह से ही कर दिया, ठीक है। जिम में मिलते हैं, वेट नापते हैं एंड लेट्स सी। जिम चलते हैं और उसके बाद करेंगे टैक और पाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट नापेंगे, जो एक हफ्ते का मैंने टारगेट दिया था, एक हफ्ते में देखते हैं कितना वेट हम लूज कर सकते हैं। एक हफ्ता तो मुझे लगता है कि मेरे को रवा होने लगता है, इस हिसाब से बॉडी की भी हालत है, ठीक है। जिम में मिलते हैं, थैंक यू। तो जिम आ चुका हूँ मैं, जिम आके अपना वेट एक बार देख। तो कल 95.5 था, आज 95 है। 500 ग्राम हमने डिडक्ट करा है अपने शरीर से। तो आज की मेहनत चलती रहेगी और आज करेंगे बैक और बाइसेप्स। वर्कआउट शेड्यूल मैं तब शेयर करूँगा जब मेरी बॉडी पे एक अच्छा असर पड़ेगा। ये मैंने खुद ही डिज़ाइन करा है अपने लिए, फॉर योर जनरल नॉलेज गाइस। मैं इससे पहले कॉम्पिटिशन वगैरह भी खेल चुका हूँ, सो ठीक है, आई हैव सम नॉलेज। मैंने बोलता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट हाँ मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तो उस पर जो मेरी बॉडी हो कैसा रिएक्ट करेगी। तो अभी तक 4 एक्सरसाइज हो गई हैं, 2 आउटर लेग्स की और 2 इनर लेग्स की, दोनों से चारों की 4 एक्सरसाइज कर ली हैं। सब में जो सेट और रैप रेंज रहेगी, 4-4 सेट रहेंगे, 15-12-10-8, 15-12-10-8, ठीक है। और स्टार्टिंग फेज में आप प्रोग्रेसिव वेट लीजिएगा, उसके बाद क्या कहते हैं, हम ड्रॉप सेट्स में जाएंगे। ड्रॉप सेट का फायदा क्या होता है, उससे जो आपकी बॉडी की इंटेंसिटी और जो वर्कआउट में जो स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसका बाइसेप करेंगे, अभी एक एक्सरसाइज और करूँगा मैं, उसका बाइसेप करूँगा। फिर उसके बाद 15 मिनट साइकिलिंग और 20 मिनट ट्रेडमिल, फिर थोड़े से एब्स, 100-150 एब्स, फिर घर खाना खाएंगे। जस्ट बैक खत्म करके बाइसेप स्टार्ट करिए, एंड बाइसेप में जो पंप आ रहा है भाई मज़ा आ गया। एंड दैट्स ऑल ऑफ बीटरूट, जो कि मैं सैलेड बना के जिम से 2 घंटे पहले खा लेता हूँ, उसमें बीटरूट होता है चुकंदर, और इनसेन पंप दे रहा है। मेरे मोटापे भी मुझे पंप फील हो रहा है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि एलआरजीन लेने से अच्छा है जस्ट एड ऑन बीटरूट इन योर डाइट, सो दैट वो नेचुरल जो पंप है वो आएगा। वर्कआउट खत्म हो गया है, ठीक है, हर चीज़ मैंने कर ली है, ऐप नहीं करे। कॉल आ गया मेरे को जाने के लिए, क्योंकि सुबह उठना है, जल्दी सोना है, तो कल से जिम में और जल्दी 15-20 मिनट 1 घंटे पहले जिम आऊँगा। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म करता हूँ, जिम खत्म नहीं करता यार, अभी तो घर जाना है, खाना बनाना। सो गाइस घर आ चुका हूँ, ठीक है। ये अलग से मेरे बाबा फूडी के फूडिस्तान के लिए एक अलग से वीडियो बन रही है, ठीक है। तो आज मैंने बनाई है बैचलर्स वाली अंडा बिरयानी, जिसकी पूरी वीडियो मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे आ जाएगी। इंस्टाग्राम के चैनल का नाम है बाबा फूडी का फूडिस्तान, तो वहां जाके उसे फॉलो कर लेना। व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। आज मैं यही खत्म करता हूँ, होप आप सबको मजा आया होगा। कल फिर जिम जाएंगे, अपना वेट देखेंगे और ऐसे ही हफ्ते के अंदर कितना मैं अपनी बॉडी से डिडक्ट कर सकता हूँ वेट को दिखाऊंगा। बाद में अगर ये सीरीज अच्छी चली, सीरीज तो नहीं है, ये व्लॉग्स अच्छे चले, तो 75 डे हार्ट भी हम लोग करेंगे। थैंक यू गाइस, लव यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना।